सो हे गाइस, फाइनली Realme 8 Pro के लिए न्यू अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आएगी इस वीडियो के अंदर उस अपडेट का फुल रिव्यू करेंगे। एंड गाइस, जितने भी टेस्ट हैं, बैटरी टेस्ट वगैरह सब कुछ, गेमिंग टेस्ट एंड वॉइस चेंजर फीचर भी टेस्ट करेंगे कि कैसा वर्क कर रहा है इस वाले अपडेट के साथ में। 8.44 का जो न्यू अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे गाइस, क्या ये Realme 3.0 का बीटा अपडेट है? एंड गाइस, यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ बीटा अपडेट जी जो कन्फर्म रोल आउट डेट है वो क्या होने वाली है। एंड गाइस, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, मींस कि आपके डिवाइस के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए Realme 3.0 अपडेट पाने के लिए। तो यहां पे गाइस, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रख लें। एंड गाइस, यहां पे वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने डिवाइस का जो वर्जन है, अपडेटेड वर्जन, तो उसका नाम। सबसे पहले हम बात करें अपडेट की, तो सबसे पहले जैसे ही हम जाते हैं सेटिंग में एंड सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में, तो यहां पे हमें एक अपडेट देखने को मिला है जो कि नवंबर मंथ का अपडेट है, 8.44 वर्जन के साथ में हमें देखने मिला है। यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि भाई इतना लेट रिव्यू कर रहे हो, तो मैंने सोचा भाई आप सबको बताना था जरूरी कि Realme 3.0 का जो बीटा अपडेट है वो रोलिंग आउट होने में बहुत कम टाइम है। एंड गाइस, उसके लिए जो एलिजिबिलिटीज चाहिए आपके डिवाइस के अंदर वो आप जल्दी से कंप्लीट कर लो, इसीलिए मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। एंड गाइस, यहाँ पे फुल टेस्टिंग की मैंने इस वाले वर्जन की, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए जो फुल रिव्यू है वो लेके आया हूँ। यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर कुछ हिडन फीचर्स हैं जो इस वाले अपडेट के साथ में किसी को भी नहीं पता है, वो ऐड किए गए हैं, उनके बारे में भी जरूर से बात करने वाले हैं। तो यहां में गाइस, सबसे पहले वर्जन चेकआउट कर सकते हैं RMX 3081 एंड 11_A.44। तो गाइस, ये वाला वर्जन आपको देखने मिलता है। साथ में गाइस, यहां पे बात करें सिक्योरिटी पैच की, तो यहां पे नवंबर 2021 का जो अपडेट है वो आपको देखने मिलता है, मींस के अक्टूबर एंड नवंबर मंथ का मिक्स पैच आपको देखने मिलता है। साथ में सिस्टम के अंदर जो इंप्रूव किया गया सिस्टम स्टेबिलिटी को एंड परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव किया गया है, उसके अलावा यहां पे हमें कुछ भी और देखने को नहीं मिलता। यहां पे चेंज लॉग के अंदर इतना ही शो किया गया है, लेकिन यहां पे गाइस आपको मैं दिखाता हूं कुछ हिडन फीचर्स के बारे में, कुछ हिडन फाइल्स जो ऐड की गई हैं। तो माफी चाहता हूँ गाइस, गला खराब होने की वजह से थोड़ी वॉइस में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद गाइस, यहाँ पे बात करते हैं गेम स्पेस की, कौन सा वर्जन हमें गेम स्पेस का देखने मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे गेम स्पेस के ऊपर होल्ड करके रखते हैं एंड ऐप इन्फो के अंदर जाके दिखाते हैं 6.9.1 का जो लेटेस्ट अपडेट वर्जन है वो आपको गेम स्पेस का देखने मिलता है। जैसे हम इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पे फीचर्स के मामले में देखते हैं, तो यहाँ पे हमें वॉइस चेंजर फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस आपको पता ही होगा ऑल डिवाइसेस के अंदर मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको नहीं मिला तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट चैनल के ऊपर भी जा सकते हो, वहां पे मैंने बताया कि कैसे आपने एनेबल करना है अपनी डिवाइस के अंदर एंड इस गेम स्पेस को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लिए सारा फुल रिव्यू लेके आया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम सेटिंग के अंदर अगर जैसे ही जाते हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे कन्वीनियंस टूल के अंदर। कन्वीनियंस टूल के अंदर क्या कुछ खास हमें देखने मिलता है, जैसे ही हम यहाँ आते हैं नेविगेशन गेस्चर्स के अंदर, तो यहाँ पे आपकी जो बार है यहाँ पे आप देख सकते हो गेस्चर बार, इसे आप एनेबल कर सकते हो। वो तो इजी सी बात है कि पहले से ही भाई था, आप बोलोगे, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको बता दूं जो क्विक ग्लांस का जो न्यू अपडेट है वो यहाँ पे ऐड कर देगा, जिसके अंदर कुछ नए फीचर्स देखने को मिले। बाकी गाइस यहाँ पे बात करें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की, जिसके अंदर कि आपको हमें जो कुछ नए आइकन्स देखने को मिल चुके हैं, जिसके अंदर काफी ज्यादा नए स्टाइल्स जो आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको एक बार कुछ और भी नए नए अपडेट्स चेकआउट करा देता हूँ, जिसके अंदर आपको न्यू न्यू चीजें जो देखने मिली हैं। सबसे पहले अबाउट फोन में जाके मैं Realme 8 Pro आपको चेकआउट करा दूं डिवाइस। तो गाइस यहाँ पे जैसे ही हम चलते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर, या फिर जाते हैं पर्सनलाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे आपको थीम्स, वॉलपेपर्स, आइकन स्टाइल्स, ऐप लेआउट, फिंगरप्रिंट स्टाइल्स, कलर्स, फॉन्ट, डिस्प्ले, नोटिफिकेशन ड्रॉयर, ये सब आपको देखने को मिलता है इस वाले अपडेट के साथ में। तो गाइस यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये सब आपका पहले से ही था, लेकिन कुछ नए स्टाइल्स मीन्स के कुछ नए टेम्पलेट्स ऐड किए गए हैं। जैसे आप किसी भी जब नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है आपका जो चार्जिंग एनिमेशन का, तो चार्जिंग एनिमेशन भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे जो आपकी ऐप ओपनिंग एंड ऐप क्लोजिंग विंडो है वो आपकी काफी अच्छे से वर्क कर रही है, मींस के आपको ज्यादा कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही, अच्छे से मींस के वर्क कर रहा है, कोई लैगिंग का इशू नहीं है, कोई हीटिंग का इशू नहीं है, चार्जिंग करते वक्त कोई भी आपको दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलती। हालांकि गाइस जैसे ही आप यहाँ पे
देखते हो मॉर्निंग टाइम में, तो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है, माफी चाहूंगा यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर कुछ गलत फलत कुछ बंदे भेजते रहते हैं, तो भाई ऐसा मत किया करो यार, क्योंकि गाइस ऑडियंस में काफी ज्यादा भाई बहने जो वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको बता दूं, यहाँ पे इस वाली अपडेट के साथ में जो आपको काफी हिडन फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, उसके साथ यहाँ पे गाइस चार्जिंग टेस्ट भी जल्दी लेके आने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं फ्री फायर को टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको माफी चाहता हूँ, फ्री फायर टेस्टिंग का मतलब है कि यहाँ पे गाइस एक बार आपको मैं वॉइस चेंजर फीचर चेकआउट करा देता हूं इस वाले अपडेट के साथ में, क्योंकि गाइस अभी एक हाथ से मैंने मोबाइल को पकड़ रखा है क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो, तो भाई अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो यार, ज्यादा सपोर्ट नहीं मांगता, बस थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो ताकि मेरा थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह चलती हो जाए। यहाँ पे आपको जो वॉइस चेंजर का सपोर्ट है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे गाइस इसकी मैं वॉल्यूम को कम कर देता हूँ, एंड गाइस यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि किस टाइप का आपको जो है अपडेट के साथ अपडेट के बाद गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस आपको मैं बता दूं, यहाँ पे काफी कुछ नया चेंजेस देखने को मिला है फ्री फायर के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको स्किप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो अलग रियलमी 8 प्रो यूजर के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि भाई दिसंबर के मंथ में जो अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट है रियलमी 3.0 का आपको देखने को मिलने वाला है आपके रियलमी 8 प्रो के अंदर। उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो A.44 का जो अपडेट रोल आउट किया गया है ये कंपलसरी है, बहुत ही ज्यादा मींस के आपके डिवाइस के अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप रियलमी 3.0 का बीटा अपडेट पाना चाहते हो। तो गाइस यहाँ पे एलिजिबिलिटीज यही रहेंगी कि भाई आपके डिवाइस के अंदर कम से कम 5GB स्टोरेज फ्री होनी चाहिए, एंड आपके डिवाइस की जो बैटरी है वो मिनिमम 50% तक चार्ज होनी चाहिए, एंड आपके डिवाइस के अंदर जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेटेड वर्जन है वो A.44 होना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहूंगा प्लीज जल्दी से इस वाले अपडेट कर लो अपनी डिवाइस के अंदर। एंड गाइस एक बात ये भी क्लियर कर दूं, जैसी कोई भी Realme 3.0 का अपडेट आएगा बीटा अपडेट, तो उसके अंदर काफी ज्यादा बग्स इश्यूज आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद से जो है 2 से 3 मंथ लग जाएंगे जो स्टेबल अपडेट आने में, तो तब तक के लिए आपको जो है स्टेबल अपडेट का वेट करना होगा एंड बग्स वाले अपडेट के साथ ही रहना पड़ेगा। सो ये वाला अपडेट आपको मिला या नहीं आपके डिवाइस के अंदर जरूर से कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रख लें। सो गाइस मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में, तो थैंक्स वॉचिंग गाइस।